आज का क्वेश्चन है कि विश्व छात्र दिवस है वो कब मनाया जाता है। ऑप्शन ए है 14 अक्टूबर, बी 15 अक्टूबर, सी है 10 अक्टूबर, डी है 5 अक्टूबर। इसका करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन है बी हो जाएगा, 15 अक्टूबर। 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस मनाया जाता है और 10 अक्टूबर को विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है और 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। अब अपन बात करते हैं 15 अक्टूबर के बारे में। 15 अक्टूबर है वो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की जयंती के रूप में मनाया जाता है और इस दिन वर्ल्ड स्टूडेंट डे भी मनाया जाता है। और डॉक्टर कलाम एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक, दूरदर्शी और भारत के 11वें राष्ट्रपति थे। और उपाधि की बात करें तो इन्हें 2 उपाधि मिली हुई थी, जनता के राष्ट्रपति और भारत के मिसाइल मैन। इन्होंने कई सफल मिसाइलों के निर्माण में अपनी अहम भूमिका निभाई है जिसके कारण इन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। अब अपन बात करते हैं कि विश्व छात्र दिवस न केवल डॉक्टर कलाम की उल्लेखनीय उपलब्धियों के लिए एक श्रद्धांजलि है बल्कि छात्रों के महत्व और भविष्य को आकार देने की उनकी क्षमता को पहचानने का भी दिन है। अब देखो पूरा नाम की बात करें तो डॉक्टर अबुल पाकिर जेनुलाब्दीन अब्दुल कलाम इनका पूरा नाम है और जन्म इनका 15 अक्टूबर 1931 में हुआ। तमिलनाडु के राज्य था रामेश्वर, वहाँ के धनुषकोड़ी गांव में इनका जन्म हुआ और ये साधारण परिस्थितियों में बड़े हुए थे, यानी इनका फैमिली थी वो बहुत ज़्यादा गरीब थी। ये जब बड़े हुए थे तो ये अखबार बेचकर अपनी जीवन यापन करते थे और ये प्रमुख वैज्ञानिक बने। इन्होंने वैज्ञानिक की पढ़ाई की, यानी वैज्ञानिक बनना चाहते थे तो वहीं के कॉलेज में इन्होंने वैज्ञानिक की पढ़ाई, इंजीनियर की स्टडी की और भारतीय और वैश्विक राजनीतिक में एक प्रिय व्यक्ति भी बन गए हैं, ठीक है। और डॉक्टर कलाम ने 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया और संयुक्त राष्ट्र ने शिक्षा के प्रति डॉक्टर कलाम के समर्पण और दुनिया भर के युवा दिमागों पर उनके प्रेरणादायक प्रभाव को मान्यता देते हुए क्या 2010 में क्या किया गया, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस के रूप में घोषित कर दिया गया। और विश्व छात्र दिवस है वो अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाता है और दुनिया भर के अकादमिक इंस्टीट्यूशन और संगठन डॉक्टर कलाम की स्मृति का सम्मान करते हुए शिक्षा के महत्व और छात्रों के सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन करते हैं, यानी उनके जीवन के बारे में अनेक गतिविधियां हैं वो अपनाते हैं। और अब देखें भारत रत्न, अब देखो कलाम जी है उनके जीवन में उन्होंने अपने जीवन में कितने हैं पुरस्कार अचीव किए हैं उनके बारे में अपन चर्चा करते हैं। सबसे पहले भारत रत्न पुरस्कार से सम्मानित किए गए थे जो उन्हें 1997 में मिला और 1997 में ही उन्हें राष्ट्रीय एकता पुरस्कार भी दिया गया। अब रामानुजन पुरस्कार है वो 2000 में दिया गया था और वीर सावरकर इंदिरा गांधी पुरस्कार है वो 1998 में दिया गया। और अब बात करें कि इन्होंने अपनी पहली पुस्तक है वो कौन सी लिखी, अब्दुल कलाम जी ने पूरी 25 पुस्तकें हैं वो अपने जीवन में लिखी थी, तो उनमें से उनकी जो सबसे पहली बुक है वो द लाइफ ट्री पहली पुस्तक है। और अब इनकी अन्य पुस्तकों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। विंग्स ऑफ फायर, अब ये विंग्स ऑफ फायर इसमें अब्दुल जी के जो जीवन के बारे में है उनकी आत्मकथा का विवरण दिया गया है, तो इनके लेखक अब्दुल कलाम और अरुण तिवारी हैं। इसमें APJ के बचपन से लेकर 2000 तक का जो सफर था उनके बारे में विस्तार से बताया गया है। और इंडिया 2020 ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम ये इनकी दूसरी पुस्तक थी, तो इनके राइटर APJ अब्दुल कलाम और YS राजन इनके लेखक थे। और ए विजन फॉर द न्यू मिलेनियम भारत के पूर्व राष्ट्रपति कौन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वारा लिखित एक बेस्ट सेलर किताब है और यह किताब उन्होंने अपने राष्ट्रपति के कार्यकाल से पहले लिखी थी, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं यूनाइटेड माइंडस ऑन लीजिंग द पावर विद इन इंडिया, ये पुस्तक है वो APJ अब्दुल कलाम के द्वारा लिखी गई और इसके अंदर क्या था, इसमें उनके राष्ट्रपति का जो कार्यकाल था उस समय ये पुस्तक को लिखा गया था। और फिर है टर्निंग पॉइंट्स ए जर्नी थ्रू चैलेंज, इसमें देखो इसके राइटर अब्दुल कलाम जी हैं और यह किताब डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की सर्वश्रेष्ठ किताबों में आती है।
और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 2002 से 2007 तक भारत के राष्ट्रपति रहे, कौन से 11वें राष्ट्रपति रहे, और इन पांचों वर्षों की चुनौतियों और अनुभवों की कहानी किसमें है, टर्निंग पॉइंट्स में बताई गई है। और देखो टर्निंग पॉइंट्स किताब है, उसमें रोचक प्रसंगों, संस्मरणों, राजनीतिक मुद्दों और भारत को 2020 तक विकसित बनाने की जो योजना थी वो इस किताब में ही विवरण दिया गया है। और नेक्स्ट बुक है द ल्यूमिनस स्पोक्स, ए बायोग्राफी इन वर्क्स एंड कलर्स। तो इस पुस्तक के लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी हैं। और गाइडिंग सोल्स, डायलॉग्स ऑन द पर्पस ऑफ लाइफ, इस किताब के भी कौन है, अब्दुल कलाम जी, और सह लेखक है अरुण तिवारी। नेक्स्ट अपन देखते हैं मिशन ऑफ इंडिया, ए विजन ऑफ इंडियन यूथ, इसके लेखक है एपीजे अब्दुल कलाम, और इंस्पायरिंग थॉट्स कोटेशन सीरीज है ये, इसके लेखक भी अब्दुल कलाम जी है। यू आर बोर्न टू ब्लास्म, टेक माई जर्नी बियॉन्ड, इसके लेखक एपीजे अब्दुल कलाम जी है। नेक्स्ट अपन देखते हैं फेलियर टू सक्सेस, लिजेंडरी लाइक्स, इसके लेखक भी अब्दुल कलाम जी। तो 25 बुक्स इन्हीं के द्वारा लिखी गई थी, तो इन्हीं के नाम से साथ में जो लेख सह लेखक के रूप में थे वो अपने पास दो लेखक आ चुके हैं। ठीक है, अब अपन देखते हैं इनकी मिसाइलों के बारे में। इन्होंने 5 मिसाइलों में निर्माण में सहायता की थी, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग व आकाश। और इनकी मिसाइलें वो पूछी जा सकती है एग्जाम में, अब्दुल कलाम जी की मिसाइलें पूछ सकते हैं। और इनकी मृत्यु की बात करें तो 17 जुलाई 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। तो फ्रेंड्स आज की जानकारी आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और इसको शेयर कर दीजिए। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में।